नाजरीन आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी, आदाब। नाजरीन, आज मऊ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरान व कारकुनान ने 10 नुकाती मेमोरेंडम सिटी मजिस्ट्रेट को पेश किया। टीचर्स डे के मौके पर इंसाफ डे के तौर पर मनाते हुए आज उन्होंने मुजाहरा किया। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर और क्या कहते हैं सिटी मजिस्ट्रेट। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। छठ दिवस में जो न्याय दिवस के रूप में हमने पार्टी ने जो कार्यक्रम करने का आह्वान किया, इसमें हम पूरे समाज के अंदर जो लोगों को हमारा ज्ञापन है, मांग ये कही तो उसको हम पढ़कर तो हम अपने साथियों से पास करा लिए हैं। मुख्य रूप से इसमें जो है जाति जनगणना जो है। सर, ये किस तरह का पत्रक इन लोगों के द्वारा दिया गया? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला काउंसिल जनपद मऊ द्वारा जो है 10 सूत्री मांगों पर ज्ञापन दिया गया है महामहिम प्रधानमंत्री जी के लिए। तो ये महामहिम प्रधानमंत्री जी और महामहिम मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया। तो क्या इन लोगों की मांगों पर विचार होगा? अब इनका मांग पत्र है वो भेजा जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ से मांग पत्र भेजा जाता है तो ये महामहिम जी को भेजा जाता है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, आ जाइए, अपना परिचय दे दें। विनोद कुमार राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश। राय साहब, आज किस तरीके का परफॉर्मेंस आप किए हैं यहाँ पे? ये हम लोगों का पूरे प्रदेश स्तर पर ये आंदोलन है शिक्षा दिवस न्याय दिवस के रूप में, जो आज शिक्षक दिवस है इसमें न्याय दिवस के रूप में पूरे प्रदेश स्तर पर। जी, आपने एक मेमोरेंडम दिया है सिटी साहब को, कितने सूत्री है मेमोरेंडम? 10 सूत्री मांगे। क्या क्या है मांगे उसमें? अब 10 सूत्रीय मांगे हैं। मुख्य रूप जातीय जनगणना है। मुख्य रूप से जातीय जनगणना है। किसानों को 10,000 पेंशन देने की बात है और ये स्कूलों में जो कोचिंग के महंगाई जो फीस का सवाल है, इस तरीके से बहुत सारी 10 मांगे हैं। अभी आपने जिक्र किया कोई किसी चेक का जमीन का मामला, वो क्या था? नुजूल जमीन का। ये नुजूल जमीन पर अभी जो सरकार ने एक नया कानून ला रही है गिराने का और कब्जा करने का, इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि नुजूल जमीनों पर अंग्रेजों के ज़माने से तमाम लोग उस पर बसे हुए हैं, उनके घर बने हुए हैं। अगर घर उनके गिरा दिए जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ वो रहेंगे, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है। मदरसा फैज़ आम के सदरुल मुदरसीन मौलाना मजहर अली मदनी ने हज की खिदमत के लिए 1500 लोगों की टीम, जिसमें सीआईएसएफ जिम्मेदार के जवान और डॉक्टरों की टीम को